खेलों के महाकुंभ मून स्कूल ओलंपिक में खेल प्रतियोगिता का दौर लगातार जारी है। 16वें मून स्कूल ओलंपिक में सोमवार को खो खो प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। अंडर 14 बालिका वर्ग में सेंट फ्रांसिस स्कूल सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल को पराजित कर खिताब पर कब्जा किया। अंडर 14 बालक वर्ग में सेंट सीएफ एंड्रूज स्कूल ने मांगलिक शिक्षा केंद्र को पराजित कर खिताब को अपने नाम किया। अंडर 19 वर्ग में भी खो खो का मुकाबला शानदार रहा। अंडर 19 बालिका वर्ग में सेंट सीएफ एंड्रूज ने सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल सिकंदरा को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। वहीं बालक वर्ग में भी सेंट एंड्रूज स्कूल ने सेंट फ्रांसिस स्कूल सिकंदरा को पराजित किया। विजेताओं को मुख्य अतिथियों ने पुरस्कृत कर सम्मानित किया। खो खो प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण और समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भगत सिंह बघेल, राजकुमार उपाध्याय, महेंद्र चावला, प्रमोद कुमार, अपर नगर आयुक्त, एमपीए स्कूल प्रिंसिपल चार्ल्स क्लेरेंस उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत मून टीवी के निदेशक राजीव दीक्षित, न्यूज हेड मनीष तिवारी ने पटका पहनाकर और कैप पहनाकर किया। अतिथियों ने विजेता और उप विजेता टीमों को बैग देकर मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया। अंडर 14 बालिका वर्ग में सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल सिकंदरा विजेता बना। वहीं उप विजेता सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल कमला नगर रहा। विजेता उप विजेता टीमों की छात्राओं को अतिथियों ने मेडल पहनाया और बैग देकर उनको पुरस्कृत किया। अंडर 14 वर्ग में भी सीएफ एंड्रूज स्कूल विजेता बना रहा। वहीं दूसरे स्थान पर मांगलिक शिक्षा केंद्र रहा। विजेता और उप विजेता टीमों के सभी खिलाड़ियों को अतिथियों ने पुरस्कृत कर उनकी हौसला अफजाई की और सभी को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि भगत सिंह बघेल और राजकुमार उपाध्याय का आयोजन को लेकर कहना था कि इस तरह के आयोजन खेल के क्षेत्र में जरूरत है और समय समय पर मून स्कूल ओलंपिक जैसे आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे खेल प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। मून स्कूल ओलंपिक शहर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण है, जो बच्चों को खेलने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करता है। मून ओलंपिक द्वारा आगरा में जो खेल के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, ये इतना सराहनीय है कि जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। कोरोना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में किसी ने भी हिम्मत जुटाई, बल्कि सरकार ने भी नहीं, इतना बड़ा आयोजन, इतने छात्रों को इकट्ठा करना, उनको प्रॉपर गेम खिलवाना, फिर उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना। आपने प्रत्येक छात्र को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया और जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको उचित गिफ्ट के द्वारा सम्मानित करने का मौका दिया है। इससे आगरा में एक मैसेज जा रहा है कि मूल ओलंपिक द्वारा जो कार्य है वो वास्तव में बच्चों की प्रतिभाएं उभारने का एक मौका है। अंडर 19 बालिका वर्ग में सेंट सीएफ एंड्रूज विजेता रहा। दूसरे स्थान पर सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल सिकंदरा ने स्थान प्राप्त किया। अंडर 19 बालक वर्ग में सेंट सीएफ एंड्रूज स्कूल का दबदबा कायम रहा। वहीं अंडर 19 बालक वर्ग में दूसरे स्थान पर सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल सिकंदरा रहा। बालक बालिका विजेता और उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कृत कर सम्मानित किया और सभी को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे महेंद्र चावला, प्रमोद गुप्ता ने सभी बच्चों को खेल खेलने के लिए प्रेरित किया। अतिथियों का कहना था कि मून स्कूल ओलंपिक जैसे इवेंट शहर की प्रतिभाओं के लिए आवश्यकता है, जिसको हमेशा होते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया आयोजन हो रहा है और ये हर साल प्रूव कर रहा है। बीच में कोविड का टाइम चला गया था, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ पंद्रह साल से मैं इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ और शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ इस प्रोग्राम से। ये हर साल प्रोग्रेस कर रहा है, अब की बार तो और विशाल रूप ले रखा है इसने और आगरा शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी का, पालीवाल जी का, तिवारी जी का, मैं सभी लोगों का, हमारे इंजीनियर उमेश शर्मा इसमें हमेशा सहयोग करते रहते हैं और आप सब पूरी टीम का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। हमारे खिलाड़ियों को, पुरुषों को प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का प्रतिभाग रहा। दोनों ही वर्गों में टीमों ने पूरे दमखम के साथ अपना प्रदर्शन किया तथा प्रतियोगिता के समापन समारोह में उपस्थित अतिथियों को मून टीवी के निदेशक राजीव दीक्षित, न्यूज हेड मनीष तिवारी, मून स्कूल ओलंपिक के स्वागत कमेटी के अध्यक्ष विद्युत शीतलानी ने स्मृति चिन्ह भेंट कर